नमस्ते माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। आज हम पाठ एक श्रेष्ठ कर्म कविता को पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। सूरज नित्य समय पर आकर दूर अंधेरा कर देता है, रिमझिम रिमझिम मेघ बरसकर ताल तलैया भर देता है। चांद सितारे जाग जाग कर भूनव जगमग कर देते हैं, तरुवर छाया फल फूलों से सबका मन हर लेते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने श्रेष्ठ कर्म और परोपकार पर बल दिया है। कवि कहता है कि जब प्रकृति चीजें मानव का कल्याण करती हैं, तो मनुष्य को भी दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूरज प्रतिदिन पूरे संसार को अंधकार दूर करके प्रकाश देता है और वर्षा बादल करके नदी तालाब भर देते हैं, चांद और तारे पृथ्वी आकाश चांदनी भर देते हैं, उसी प्रकार वृक्ष अपनी छाया फल फूलों से सबको खुश रखते हैं। ठंडी हवा को भी शीतल कर देते हैं। आगे देखिए, शीतल पुलक पवन बह बहकर तन मन पुलकित कर देता है, दूर थकावट करती सबकी नहीं किसी से कुछ लेता है। उसी प्रकार ठंडी हवा मन को शीतल कर देती है, थकावट को दूर कर देती है और किसी से कुछ भी नहीं लेती। नद निर्झर निस्दिन बह बहकर सारे जग की प्यास बुझाते, जो औरों के हित जीते हैं वे सच्चे मानव कहलाते। औरों की पीड़ा को हरना हर मानव का परम धर्म है, दीन दुखियों की सेवा करना सबसे पहले श्रेष्ठ कर्म है। नदियां में झरने भी प्रतिदिन संसार की प्यास बुझाते हैं। जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं वही सच्चे मनुष्य हैं। दूसरों के हित में अर्थात दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, दुखी जो परेशान है लाचार है उनकी सहायता करना ही मनुष्य का श्रेष्ठ और सच्चा कर्म है। मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ कि इस कविता में मनुष्य को दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए और सबकी समस्याओं को समझना चाहिए, यही बताया गया है।